आज दो लेडीज बैठ के अपने फ्रस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। खत्म होने वाला है, पर शायद आप ये व्लॉग तब देखोगे जब 2019 खत्म होके 2020 आके मतलब कुछ दिन, साल या हफ्ते गुजर जाएगा। मैं पहले से शूट करती हूँ, बाद में पोस्ट करती हूँ, यू गेट द पिक, हाउ अ व्लॉगर वर्क। आज का दिन एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीजें प्लान किया है गाइस, क्योंकि आज जमाने के बाद ज्योति आ रही है मेरे घर पे। मेरे बर्थडे पे ज्योति आएगी नहीं, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, इसीलिए उसके बिना मेरा बर्थडे बिल्कुल अधूरा है। साथ में मैंने रात पे भी कुछ प्लान्स बना के रखे है मेरी मम्मी और पापा के साथ, वो क्या होने वाला है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी बर्थडे हॉल, मतलब बर्थडे में मुझे क्या क्या मिला मेरे पेरेंट्स के तरफ से। आई एम गोना शेयर ऑल दैट। बस डाउट एक ही बात की है कि गाइस क्रिसमस की तरह आज का दिन का प्लान भी चौपड़ ना हो जाए, क्योंकि क्रिसमस में क्या हुआ था पता था ना, इतना कुछ प्लान करने के बाद प्रॉक्सटीन में घुस ही नहीं पाए और पूरा प्लान चौपट हो गया था। तो विदाउट फर्दर अडू आइए दिन का शुरुआत करते हैं एक कप ग्रीन टी के साथ। पर अगर आपने ग्रीन टी नहीं पिया है जाके पी लीजिए। ग्रीन टी बनाते बनाते मेरे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप मुझसे फर्दर कनेक्ट करना चाहते हो। तो इंस्टा आईडी इज payel_deshmukh1। अगर फॉलो नहीं किया अभी आप खोलो और फॉलो करो। व्हाट आर यू डूइंग, यू डोंट लव मी, आई डोंट लाइक दिस, जस्ट किडिंग, लव यू गाइस। अभी जाऊंगी पीऊंगी, फिर इंतजार करूंगी ज्योति के आने का और देखती हूँ मम्मी भी क्या कर रही है। देखते रहो व्लॉग को। गुड मॉर्निंग। तो गाइस सुबह सुबह मैं आई हूँ किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाने वाली हूँ ऑमलेट एंड ब्राउन ब्रेड टोस्ट। मैं एक्चुअली पहले ऐसे ऑमलेट के जैसे अंडे को प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर इसमें ब्राउन ब्रेड लेके थोड़ा सा डिप करके फ्राई कर लेती हूँ। एंड दिस इज जस्ट माई ओन वे ऑफ मेकिंग अ फ्रेंच टोस्ट। नॉर्मली फ्रेंच टोस्ट को बनाने के लिए पहले यू नो यू जस्ट हैव टू डिप द ब्रेड इन मिल्क एंड देन यू आर सपोज टू डिप इट इन द ऑमलेट एंड देन यू आर सपोज टू फ्राई। बट मैं मिल्क वाला पार्ट को पूरा स्किप करती हूँ क्योंकि वो बस अननेसेसरी, इट एड मोर फैट जिसकी कोई जरूरत नहीं है, एंड इट जस्ट टेस्ट गुड। और मैं ऐसे ही खाती हूँ हमेशा, बचपन से मम्मी भी मेरे लिए ऐसे ही बनाती है। आज का व्लॉग शायद इतना टाइम के बाद एक ऐसा व्लॉग होने वाला है जहाँ पर कोई टिपिकल रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि लंच और डिनर का प्लान है तो कुछ खाना उतना बनाने नहीं वाली हूँ गाइस। गाइस जैसे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ लंच में जाने के लिए, और मैंने ड्रेस पहना है और मेकअप भी कर लिया है। द फाइनल थिंग विच इज लेफ्ट इज अ लिपस्टिक। मैंने ये लिप लाइनर जो है कलर एसेंस का बुलबुल ऐप से ही परचेस किया है, तो अभी मैं सबसे पहले इस लिप लाइनर को यूज करके अपने जो लिप के आउटलाइन है उसको ड्रॉ करूंगी। ये बस इंश्योर करता है कि आपके लिपस्टिक जो है स्मज आउट होकर बाहर ना जाए, फेदर आउट ना हो जाए, एंड इट जस्ट गिव्स अ वेरी डिफाइन एंड फुलर शेप। ट्रैक्टेबल लिप लाइनर है गाइस, तो आपको शार्प करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुलबुल ऐप के बारे में नहीं जानते हो अभी तक तो बता दो, बुलबुल ऐप एक शॉपिंग ऐप है जहां पर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सामान मिलता है, चाहे वो घर का सामान हो, मेकअप या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो। बेस्ट चीज ये होता है गाइस, उस ऐप में आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करोगे उस प्रोडक्ट का डेमो भी रहता है, तो जब भी आप प्रोडक्ट लोगे यू कैन फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली द प्रोडक्ट वर्क। तो गाइस मैंने आउटलाइन को ड्रॉ कर दिया है जिससे मेरे लिप्स की जो लाइनिंग है बहुत ही क्लियर कट हो रहा है, जिस जस्ट गिव्स अ वेरी फुलर लुक। अगर आपके पतले लिप्स है मेक श्योर यू लाइन योर लिप्स बिफोर, इससे आपके लिप्स और फुलर दिखता है। लाइनर का पिगमेंटेशन देख सकते हो गाइस, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ब्यूटिफुली पिगमेंटेड है, बटरी सॉफ्ट है, मैट फिनिश देता है बट बहुत कंफर्टेबल है, ड्राई आउट नहीं होता है लिप्स। मैं कलर एसेंस की ये लिपस्टिक को यूज करूंगी, इसका शेड का नाम है मरून मिस्टिक। ये लिपस्टिक को भी मैंने बुलबुल ऐप से ही लिया है, बुलबुल ऐप में आपको कलर एसेंस के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेगा। सिंपल टेक्निक यूज करके आप अपने लिप्स को फुलर बना सकते हो, अपने लिपस्टिक को जो लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। ऑफकोर्स ये सारे प्रोडक्ट्स को आप बुलबुल ऐप में चेक कर सकते हो, मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
जल्दी करोगे? हम लोग गाइस मैं कैमरा कभी फोकस करती नहीं हूँ कि तुरंत जल्दी करोगे जल्दी करोगे जल्दी करोगे. केक हाथ में इसको क्या पकड़ के देखो मेरा नाम लिख के रहिए इनसेन. She is the one who calls me insane girl. मैंने नाम रखा था. इन्होंने ही नाम रखा है और अभी वह वही होता है हमेशा. She never misses my birthday. जितना भी काम रहे जितना भी मिल रहे मैं सारा साल करूँ लेकिन मैं दिए एक ऐसा दिन है अगर वो रात 12 बजे भी होगा तो आएगी. लास्ट टाइम तो 12 बजे आई थी. हमेशा सिंस दैट टाइम वी आर मेट इजंट इट हमेशा एवरी ईयर शी नेवर मिस माय बर्थडे. मतलब मेरा बर्थडे बोल सकती हो कि इसके बिना अधूरा ही है. हो ही नहीं सकता मैं पहुंच जाती हूँ कहीं पर भी होता है शी इज देयर. वैसे आज बहुत सारे मजा आने वाले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ही देर के बाद. सो स्टे ट्यून्ड देखते रहिए. फोकस कर रही हूँ मैं केक का. ये देखो केक का प्रमोशन तो ये जाएगा. यू साइको साइको बैच है सीरियसली. मुझे नहीं लगा था ये स्लॉप हो जाएगा. सो दिस इज अ स्ट्रॉबेरी केक. हंसने में क्या टैक्स लग रहा है. ये देखो आंखें देखो. हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू. ये उल्टा क्यों दिख रहा है. अच्छा एन ही काटा है आपने. एन एन से नहीं नहीं ये हो नहीं ये सकता. देखो ये सही है. देखो हाँ 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 देखो देखो मैं खिला रही हूँ. मैंने इसको खिला चुकी हूँ ठीक है. वो आया नहीं फुटेज में तो देखो देखो बुला रही है. मैं इसको अच्छा खासा पीस खिला रही हूँ. हरी में आके बैठ चुके हैं और इधर देखो मैडम बैठी हुई है. आज लेडीज डे होने वाला है. यस यस आज वैसे जिया भी नहीं है. हाँ इसे लेडीज डे. आज दो लेडीज बैठ के अपने फ्रस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे. आप लोगों के लिए भी ये जरूरी है. अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिनके साथ अपने मन के सारे प्रॉब्लम्स सब कुछ शेयर करके लोगों का गाली दे सकते हो. फ्रस्ट्रेटेड हाँ मतलब ऐसा कोई दोस्त लाइफ में होना चाहिए ना जिसके साथ बैठ के आप सबको गाली दे पाओ. ऐसे तो हम लोग फोन में देते रहते हैं. देते रहता है वो जवुई मेड वाला दोस्त के जैसे नहीं. काट दे फाड़ दे मार दे फेंक दे. जैसे जाएंगे आपको जरूर बताएंगे एंड मजे भी करेंगे. कीप ऑन वॉचिंग. बच्चे लोग नहीं तो पति मतलब कभी कभी हो रहा है कि मेरा पति भी जाता है फ्रेंड्स के साथ. ऐसा बात नहीं है. सो या बट वी थ्री वुमन नीड आवर स्पेस. यार चलो हम लोग आए क्वेस्ट मॉल. अभी हम लोग जाए ऊपर में फिफ्थ फ्लोर में तो उसके बाद जब घुस जाएंगे अंदर तब बात करते हैं. कीप ऑन वॉचिंग. अभी बोलना मत कि मैंने 100K का ट्रीट नहीं दिया. आज एक्चुअली ये बर्थडे ट्रीट नहीं हो रहा है. ये 100K का ही ट्रीट हो रहा है. एक्सक्यूज मी ये जो भी ट्रीट है ये मेरे तरफ से ही है. व्हाट तो प्लीज ये धोखेबाज औरत को देख लो. अभी तक पता था मैं ट्रीट दे रही हूँ. मैं खुद को खुला ऑर्डर दे रही हूँ ये वो क्योंकि मुझे पता है मैं ट्रीट दे रही हूँ. अचानक से बोले ये मेरा ट्रीट है बाय द वे. बता दी तो फिर ऑर्डर देती. वैसे आप क्यों पी रहे हो? कुछ शेयर करिए कुछ भी शेयर करिए. आप क्यों पी रहे हो? मेरा अभी तक कुछ आया ही नहीं. देखो खाली 4 बजे के बाद मिलेगा. एडल्ट चीज़ ना थोड़ा देर से मिलता है. बच्चे लोगों का चीज़ पहले मिल जाता है. जो लोग मेहनत करते हैं जिम में उनको देर से मिलता है. यू नो मेहनत का फल मीठा नहीं यहाँ पर कड़वा है पर अच्छा वाला कड़वा है. गाइस हम लोग का लंच मज़ा पार्टी फिलहाल तो हो गया है. तो अभी हम लोग क्वेस्ट मॉल छोड़ के घर जा रहे हैं और घर जाने के बाद फिर ज्योति चली जाएगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी चीज़ें. तो दिन तो अभी भी बाकी है. देखते रहिए व्लॉग को. आई होप यू आर एंजॉयिंग. फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ और ज्योति अभी घर जा चुकी है और अभी मैं कुछ देर के बाद फिर से निकलूंगी पेरेंट्स के साथ डिनर के लिए. पर उसमें अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि हम वो 8 बजे के आसपास निकलने वाले हैं और अभी बस 6:30 हो रहा है. सो देर इज अ लॉन्ग टाइम. तो मैंने सोचा ना फिर से रेडी वेडी होने से पहले आई विल जस्ट क्विकली शेयर द हॉल क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे सामान है. मतलब मेरी बर्थडे हॉल कुछ शेन से प्रोडक्ट है कंबाइनिंग क्लोदिंग मेकअप एंड एक्सेसरीज. तो
यहाँ पर बैठ के मैं सबसे पहले जो छोटे छोटे मेकअप और एक्सेसरीज है उसको शेयर कर लूंगी, फिर मैं लास्ट में आपके साथ जो क्लोदिंग पार्ट है, जो बर्थडे क्लोदिंग पार्ट है, उसको शेयर करूंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा एंड आई एम फीलिंग ऑल लेसी, सो यू गेट द पिक्चर. तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगी कुछ पीयर प्रोडक्ट्स गाइस, क्योंकि ये पीयर प्रोडक्ट्स मुझे निधि ने भेजा है. एंड इफ यू गाइस डू नॉट नो निधि, देन शी इज एन यूट्यूबर, हर नेम इज निधि कटियार, और उनकी एक वेबसाइट है जिनका नाम है कफ्स एंड लैशेस. मैं इंटरेस्टिंगली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये दो पैलेट फ्रॉम द ब्रांड 20 something which I'm very excited about, by the way. पहला वाला जो पैलेट है guys, this is actually a very beautiful eyeshadow palette. आप देख सकते हो कितना खूबसूरत eyeshadow palette है, और इसमें आपका matte के colors भी है, और and I dropped the brush. इस पैलेट के साथ आपको ये ब्रश मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, कोई स्पंज टिप एप्लीकेटर नहीं है. पिगमेंटेशन दिखाती हूँ कुछ मैट कलर्स की और कुछ आपके फ्रॉस्टेड कलर्स की भी, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि ये प्रोडक्ट्स जो है कैसी काम करती है. यू नो आई एम गोना टेक द ब्लैक एज वेल. पिगमेंटेशन दे सकते हो बिहाइंड द फिंगर, तो पिगमेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, मैट का भी बहुत क्रीमी पिगमेंटेशन लग रहा है. ओ माई गॉड, आप देखें, मैं आपको टेस्ट करवा के डायरेक्टली स्वाइप, दिस इज जस्ट वन स्वाइप, दिस इज द प्रूफ दैट इट इज सुपरबली पिगमेंटेड एंड नाइस. पर इसका बाहर में एक प्लास्टिक पैकेजिंग अभी भी इंटैक्ट है, तो मैं बता देती हूँ ये वाला पैलेट में लिखा हुआ है कि दिस इज एक्चुअली मेड इन इंडिया एंड पैराबेन फ्री आई शेडो पैलेट है, क्रुएल्टी फ्री आई शेडो पैलेट है, विच इज ग्रेट, और वो भी अफोर्डेबल है बिकॉज द प्राइस एंड द एमआरपी इज 399. दिस रिमाइंड्स मी समवेयर ऑफ अ मैक आई शेडो पैलेट. इसका जो प्लेसमेंट है थोड़ा बहुत एक मैक की पैलेट के जैसा दिखता है. सबसे पहले जो ज्योति ने मुझे दी है वो है दिस ब्यूटिफुल पिंक बैग. इसमें आपका पिंक भी लिखा हुआ है, एम्बेलिश्ड किया हुआ है पिंक, एंड इट इज रियली रियली नाइस एंड प्रिटी. आई लाइक द पर्की कलर. स्टिक क्रेयॉन, वैसे ये दिखने में तो क्रेयॉन की जैसा है, पर एक्चुअली ये लिपस्टिक बुलेट है. कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे आपका स्लाइड करने से इसका जो लिपस्टिक बुलेट है निकल आता है, एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी प्रिटी रेड कलर. शेड है ये गाइस, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कलर, क्रीमी मैट है, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन लिप्स, और द पिगमेंटेशन इज माइंड ब्लोइंग. एक बहुत ही खूबसूरत सा पिंक टोन रेड है, नॉट एग्जैक्टली लाइक मैक रूबी वू, बट मैक रूबी वू इज मोर कूलर टोन ब्लू अंडरटोन, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कूल टोन पिंकी रेड विच इज वेरी वेरी प्रिटी एंड यूनिक. अब अगर आपको चाहिए तो आप ज्योति जिया स्टोर से ऑर्डर दे सकते हो. तो गाइज, शीन से मैंने कुछ एंड ऑफ सीजन सेल में कुछ ऑर्डर दिए थे चीजें बर्थडे के लिए. एक्चुअली दिस इज एक्चुअली गिफ्ट जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है लिटरली, सो आई डिडंट पे फॉर देम, एंड एंड ऑफ सीजन सेल था तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे थे. जो मैंने लिया है वो है ये ब्यूटीफुल वाली ब्लैक कलर की फ्लोरल टॉप. मुझे जो इसका नेक स्टाइल है और बैक का जो स्टाइल है बहुत अच्छा लगा, फेमिनिन, एंड ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, वर्म है, तो विंटर के लिए भी परफेक्ट, एंड द कलर एंड द प्रिंट ऑफ दिस फ्लावर्स आर सो प्रिटी. इट्स द सेकंड टॉप. अभी ये टॉप को लेके ना मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बताऊंगी कहां पर डिसअपॉइंटेड हूँ. सबसे पहले मैं बता दूं, आई रियली रियली लाइक द नेक्स्ट स्टाइल अगेन, और ये फुल स्लीव है और मुझे फुल स्लीव पहनना भी पसंद है बिकॉज इट वॉर्म्स यू अप. एंड जो मुझे अच्छा नहीं लगा इज द कलर, क्योंकि ये टॉप ना आपका रेड कलर में लिखा हुआ था साइड में, एंड आई थॉट इट वाज गोना बी अ ब्राइट रेड कलर, क्योंकि जो पिक्चर था वो थोड़ा सा मरूनिश था, बट स्टिल इट लुक्ड मोर रेड. पर जब मुझे ये मिला ना, इट्स लुकिंग मोर ऑफ अ ब्राउन रेड देन अ रियल रियल रेड. आप देख सकते हो मेरी चेयर का जो हैंडल है, दिस इज लाइक अ रियल रेड, ये रियल रेड नहीं है, दिस इज मोर ऑफ अ ब्राउनिश रेड. तो गाइस, जो फाइनल टॉप मैंने लिया है वो है दिस वन, एंड दिस इज एक्चुअली माई फेवरेट पीस. आई जस्ट लव्ड दिस टॉप सो मच. ये पूरा मेश है, बैक से भी गाइस पूरा मेश है, और जैसे हाफ मेश है बैक से भी हाफ ही मेश है. अब की होल है बहुत बड़ा सा, एंड इट इज सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट. और शीन में ना अभी ऐसा जो स्टाइल होता है, ऐसे स्टाइल में टॉप पूरा भरा हुआ है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पैटर्न. पर जितने भी स्टाइल है मुझे इसका कटिंग सबसे ज्यादा अच्छा लगा. द कटिंग ऑफ दिस वन इज वेरी वेरी यूनिक एंड It's nice, it's pretty, it's very very nice. This is the final piece which is a very long maxi dress. और dress का जो top है ऊपर वाला portion है आप देख ही सकते हो, नीचे का portion मैं दिखा देती हूँ. This is a very very flowy dress और double layering किया हुआ है. ऊपर में एक ऐसा chiffon सा layer है, उसके नीचे एक और layer है to give thickness. और जो नीचे वाला layer है ना वो थोड़ा short है, बस ऊपर वाला layer is more long and it has a, इसका जो घेर है बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखाती हूँ तो समझ में आएगा. तो आप देख ही सकते हो guys, it's very pretty, very comfortable. लंबा फ्लोई है, आप देख ही सकते हो पूरा एकदम फ्लोई लॉन्ग लेंथ है. इसके नीचे में देखो गाइस, प्लीज डोंट माइंड, मैं पीजे पहन के हूँ. नीचे में आपका कपड़ा है हाफ नी तक है, ये पूरा लॉन्ग नहीं है. दिस वन इज कंप्लीट लॉन्ग अप अंटिल द बॉटम. तो गाइस, कितना ब्यूटीफुल और फ्लोई है ये.
दिस इज सच अ प्रिटी प्रिटी वन गाइस। तो गाइस अभी मैं डिनर के लिए रेडी हो रही हूँ और दोपहर के टाइम में शायद आप कंफ्यूज हो गए थे कि मैंने दूसरा कपड़ा और लिपस्टिक पहना फिर दूसरा कुछ पहन लिया क्यों, क्योंकि ज्योति ने मुझे कहा था कि दूसरा कुछ ड्रेस पहनने के लिए बिकॉज शी वांटेड मी टू वेयर जींस, क्योंकि वो भी जींस पहनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह में जो पहने थे वो रात में पहना जाए, तो इसीलिए वही लिपस्टिक को मैं अप्लाई कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने मुझे पूछा था कि मैंने कौन से ब्रांड का ड्राई शैम्पू यूज किया है, तो मैं बता देती हूँ मैंने बाटिस्टे का ड्राई शैम्पू मैं यूज करती हूँ। दिस इज इन द ब्लश फ्लेवर, आप बोल सकते हो फ्लोरल फ्लेवर है, बहुत ही खूबसूरत इसका स्मेल और फ्रेग्रेंस है। इट्स अ होली ग्रेल प्रोडक्ट फॉर मी। लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। तो मेकअप तो आप देख ही सकते हो कैसा हुआ है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेकअप कैसा लगा। मुझे लगता है ना अगर आप लेंस पहन लेते हो और एक ब्राइट लिपस्टिक पहन लेते हो और आईब्रोज कर लेते हो, द मेकअप इज प्रीटी मच डन, आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होता, योर आईज एंड यू नो प्रीटी मच वर्क फॉर इट। बहुत ही गंदे गंदे लाइट आ रहे हैं मुंह के ऊपर, तो पीछे में मम्मी और पापा है और जाने के बाद फिर ब्लॉग करते हैं। तो खाना खाने के बाद, तो खाना वाना आने दो उसके बाद फिर शूट करते हैं, देखते रहिए। সালাদটা দেখে কি বোঝা যাচ্ছে, কি বোঝা যাচ্ছে ভাবি, অনিয়ন ইজ 150 রুবি 150 পার কেজি। सिर्फ लेजी होके बैठे हो, लेटे हो, क्या हाल चाल है? एक्चुअली ठंड के वजह से ये कुछ ज़्यादा ही लेजी है, हमेशा ऐसे कंबल वंबल के ऊपर आके लेट के सोके रहता है। सो दिस इज द रीज़न आई डू नॉट डिस्टर्ब हिम मच। ये क्या है, ये तुमको चाटने के लिए किसने बोला है, चाटने के लिए किसने बोला है, चाटने के लिए किसने बोला है किसने? तो गाइस फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। गाइस आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इस व्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे फर्दर कनेक्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज पायल अंडरस्कोर देशमुख 1, आप पायल देशमुख करके सर्च करोगे तब भी मिल जाएगी। एंड यस मैं आपसे मिलूंगी गाइस फिर से नए वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय, हैप्पी न्यू ईयर।